Hi guys, welcome back to my channel and welcome to a bluff face. आज का वीडियो है एक बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो. जी हाँ, वॉश मेकअप नहीं है, इट इज़ द बेस्ट रिव्यूड मेकअप आर्टिस्ट इन माई लोकेलिटी. सो मैंने इनका काम देखा है एंड आई रियली लाइक द वर्क एंड आई थॉट वाई नॉट गेट योर मेकअप डन किसी ऐसे इंसान से जिसको मेकअप आता हो. अभी खुद का मेकअप कर करके ना थक गई हूँ. सो आई रियली वॉन्ट कि मेरा कोई मेकअप करे और सुंदर सा मेकअप करे. मुझे थोड़ा सा प्रिंसेसी फील करना है अपने आप को. सो आई टोल्ड हर कि मैंने एक ब्लैक और गोल्डन जंप सूट पहनना एंड हैव टू गो टू अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट. सो लेट्स सी हाउ शी डज माई मेकअप. वो मेरी ही लोकेलिटी में रहती हैं, शी इज़ अ फ्री लांसर. अगर शी डज माई मेकअप गुड, आई लीव हर डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन सो दैट यू गाइज कैन कॉन्टैक्ट हर. बिकॉज यू नो द मोटिव ऑफ दिस होल वीडियो आई थिंक इज कि हम वो जेम्स ढूंढ के लेकर आए जो बहुत अच्छा मेकअप करते हैं. अगर आपको किसी इंपॉर्टेंट इवेंट पे आपको उनकी ज़रूरत है तो यू कैन कॉन्टैक्ट हर एंड यू नो ऑल दैट थिंग. एंड या आई एम जस्ट होपिंग दिस होल इवेंट टर्न्स आउट टू बी गुड. तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन वॉचिंग द बेस्ट रिव्यूड मेकअप आर्टिस्ट डिड माई मेकअप वीडियो, देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग. आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, बेल बटन पर हिट कर दिया सो दैट यू डू नॉट मिस ऑन एनी ऑफ दिस वीडियोज. लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके सो गाइज, चेतना इज हियर. हाय. सो चेतना भी अपना सारा सामान लगा रही है. सो दीज आर ऑल अ मेकअप ब्रशेज, आई होप यू गाइज कैन सी. सो शी विल बी डूइंग माई मेकअप एंड जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, दिस इज माई वाला. सो चेतना बोल रही है कि आई शुड चेंज एंड देन शी विल डू माई मेकअप एंड शी इज ओके अगर आई एम फिल्मिंग, है ना? आपको तो प्रॉब्लम नहीं है? सो लेट्स सी हाउ दिस टर्न्स आउट टू बी. सो चेतना जब तक अपना सामान लगा रही है, आई जस्ट गो एंड चेंज माई आउटफिट एंड देन वी विल स्टार्ट. ऑलराइट. सो सारी की सारी क्लिपिंग जो है मैं ऐसे फास्ट फॉरवर्ड में चलाने वाली हूँ. तो सबसे पहले चेतना आस्क मी कि मेरा जो फेस है वो क्लीन है कि नहीं है. तो मैंने कहा कि नहीं, मॉइस्चराइजर लगाया हुआ है. तो वो उसने कहा कि नहीं, आपको ये सारी मॉइस्चराइज, मतलब मुझे बेसिकली फेस को क्लीन करना पड़ेगा. तो शी डिड क्लीन माई फेस. मैंने बेसिकली वो सारा एरिया जहाँ जहाँ फाउंडेशन लगना है एंड देन उसके बाद शी अप्लाइड सम मॉइस्चराइजर. एक ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर था और शी डिड अच्छे से मसाज करा उसने, मतलब बहुत हार्शली नहीं, बहुत सॉफ्ट हैंडेडली पैटर्न कर लिया उसने सारा का सारा मॉइस्चराइजर मेरे स्किन में. एंड उसके बाद चेतना ने जो है एक ऑयल लिया था. तो मैंने उससे पूछा था कि कौन सा ऑयल है. शी सेड कि ये मिलाग्रो का ऑयल है एंड आई डिड चेक मैकअप पे अवेलेबल एंड इट वॉज रियली गुड. सो शी सेड कि वो ना उसको यूज करती है एज अ लिप पे भी और स्किन के लिए भी सब जगह. एंड देन उसके बाद उसने यूज किया था मेरे फेस पे एक प्राइमर एंड शी वेटेड करीब 5 मिनट के लिए. तो मेरे से इधर उधर की बातें करती थी एंड देन शी सेड कि अच्छा 5 मिनट हो गए हैं, अब जो है हम फाउंडेशन लगाएंगे. फाउंडेशन के लिए चेतना यूज मैक का प्रोलॉन्ग वेयर फाउंडेशन मिक्सड इन विद बॉडी शॉप और दोनों को मिक्स करके उसने मेरा शेड बना लिया था. एंड उसके बाद शी अप्लाइड सम कलर करेक्टर. यहाँ पर शी इज़ यूजिंग एक ऑरेंज करेक्टर मेरे अंडर आइज पे बिकॉज ऑब्वियसली डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा है मेरे मेरे माउथ के अराउंड भी. उसने लिया एक पतला सा ब्रश है, ये फ्लैट शेडर ब्रश से उसने किया था बेसिकली. सो मेरे माउथ के अराउंड, मेरे नोज के अराउंड, मेरे अंडर आइज पे और मेरी नेक पे भी, क्योंकि मेरी नेक पे भी काफ़ी सारा पिगमेंटेशन है. एंड उसके बाद एक स्पंज या ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से शी फर्स्ट ब्लेंडेड इन द फाउंडेशन और उसके बाद शी ब्लेंडेड इन दी कलर करेक्टर, जिससे कि सब मिक्सअप ना हो और मेरे फेस पे सब ऑरेंज ऑरेंज ना हो जाए. नाइस ट्रिक बाय द वे. सो या उसके बाद सो वंस शी इज़ डन, लाइक अच्छे से उसने ब्लेंड कर लिया और सारा सारा का सारा प्रोडक्ट जो है एकदम सीमलेसली मेरी स्किन में समा गया. उसके बाद जो है शी वेंट इन विद अ क्रीम कंसीलर, जो वो ऑरेंज करेक्टर लगाया था उसके ऊपर शी अप्लाइड दिस क्रीम कंसीलर एवरीवेयर. सो जिससे कि वो कैमोफ्लाज हो जाए, कवर अप हो जाए. एंड उसके बाद शी जस्ट ब्लेंडेड इट अगेन एक वही सेम ब्यूटी ब्लेंडर लेकर के सब कुछ उसने अच्छे से ब्लेंड कर दिया था मेरी स्किन में.
एंड एज यू कैन सी मेरा स्किन काफ़ी फ्लॉलेस लग रहा था, केकी बिल्कुल भी नहीं था, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया था. देन शी टुक दिस कंसीलर, आई डोंट नो द ब्रांड, शी सेड कि वो दुबई का कोई ब्रांड है एंड आई रियली डोंट कंसीलर को लेकर के शी अप्लाइड इट ऑन ऑल माई यूज. एंड अच्छे से कंसीलर अप्लाई करने के बाद शी ब्लेंडेड इट आउट. एक डिफरेंट स्पंज यूज़ किया था उन्होंने इस बार एंड अच्छे से जो है कंसीलर को ब्लेंड कर लिया स्किन में. एंड आफ्टर दिस स्टेप लाइक मेरी स्किन जो है इतनी फ्लॉलेस लग रही थी. आई रियली लाइक कि जिस तरीके से उन्होंने मेरा मेकअप लाइक बेस किया, इट वॉज लिटरली फ्लॉलेस. तो कंसीलर को ब्लेंड कर लेने के बाद शी अप्लाइड अ लॉट ऑफ पाउडर ऑन माई फेस. उन्होंने जो है बेक ही करा बेसिकली, तो अंडर आई पे और लिप्स के अराउंड जहाँ जहाँ कंसीलर लगाया था वहाँ वहाँ उन्होंने बहुत सारा पाउडर लगाया. एंड देन उसके बाद उन्होंने मेरे आईलिड्स को प्राइम किया. प्राइम करने के लिए आई थिंक उन्होंने यूज़ किया था अर्बन डिके का प्राइमर और उससे मेरी आईलिड्स को प्राइम किया और ब्रश से बहुत अच्छे से इसको मेरी स्किन में ब्लेंड किया और उसके बाद उसको पाउडर भी कर दिया, प्रॉबेबली इसीलिए कि जिससे अब वो आई शेडो जो लगाएंगी वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए उसके ऊपर. एंड देन उसके बाद उन्होंने एक ब्राउन आई शेडो लिया क्योंकि मेरे माइंड में वही था कि शी विल बी डूइंग ब्लैक स्मोकी आई, जो यूजली ब्लैक स्मोकी आई हम करते हैं. तो वही ब्राउन आई शेडो लेकर के उन्होंने मेरी क्रीज में अप्लाई करा अच्छे से. एंड देन वंस शी वॉज हैप्पी विद द कलर, शी वेंट इन विद अ जेल काजल और वो जेल काजल लेकर के उन्होंने कंप्लीट लिड्स पे मेरी अप्लाई कर दिया. एंड आई रियली लाइक दिस ट्रिक क्योंकि इससे ना मतलब जेल काजल है तो वो जल्दी से सेट हो जाएगा, स्मज नहीं करेगा, बज नहीं होगा और अगर आप पार्टी में एक्चुअली जा रहे हैं तो ये काफ़ी टाइम तक टिका भी रहेगा. सो कंप्लीट लिड पे आई शेप को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो है इसको अप्लाई कर लिया. ओनली नाउ आई एम सीइंग व्हाट शी हैज डन, मतलब किस तरीके से उन्होंने किया. एंड आई रियली लाइक दिस टेक्निक एज वेल. तो अभी वहाँ पर वो एजेस को ठीक कर रही है बिकॉज थोड़ा सा अनइवन एजेस तो हो ही जाती हैं इस तरीके से. सो एजेस को इवन करने के बाद थोड़ा सा ब्राउन आई शेडो फिर से लिया उन्होंने एंड देन शी जस्ट ब्लेंडेड आउट दी एजेस एज वेल. सो या उसके बाद उन्होंने लिया था कि ये अर्बन डिके का ऑल नाइटर ग्लिटर आईलाइनर एंड बहुत ही बढ़िया आईलाइनर है. तो पहले मेरी अपर लैश लाइन को लाइन किया उन्होंने अच्छे से एंड उसके बाद शी व्हाट शी डिड इज जो कट क्रीज है टाइप का एक क्रिएट कर दिया उसी आईलाइनर से. देखने में बहुत आसान लग रहा है पर जब खुद पे करने की कोशिश करो तो वो नहीं हो पाता, बट हाँ किसी और पे आप शायद ये कर सकते हो. एंड इट इज़ सच एन अमेजिंग ट्रिक, मतलब कोई भी आई शेडो आप लगाओ उसके ऊपर आप इस तरीके से आईलाइनर लगा लो, वेरी इजी टू डू और बहुत ही डिफरेंट और थोड़ा अच्छा ड्रामेटिक सा लुक आ जाता है. सो आई रियली लाइक इट. उसके बाद उन्होंने मेरी आईब्रोज फिल इन करी विद सम आईब्रो पेंसिल, स्पूली से कोम्ब आउट किया और फिर उसी में एक आईब्रो पाउडर, उसमें या फिर दूसरा आईब्रो पाउडर था उससे आईब्रोज को फिल इन कर लिया. हाउएवर शी वॉज लाइक थोड़ा सा गुस्सा हो रही थी कि आपने आईब्रोज को शेप क्यों नहीं किया और मैं अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ कि आईब्रोज को शेप करना करके रखना, बट या ठीक है चलो मैं काम चला लूँगी ऐसे करके. सो शी इज़ रियली स्वीट एंड बहुत पेशेंस है उसमें. मतलब मेकअप करना खड़े होके पूरे टाइम झुक झुक के इज अ डिफिकल्ट टास्क. सो या एंड उसके बाद शी कॉन्ट्रोल्ड माई फेस. तो शी हैड दिस कॉन्ट्रोल पैलेट, आई गेस मेबलिन का था या पता नहीं किसका था, तो उससे शी जस्ट कॉन्ट्रोल्ड माई फेस. देन थोड़ा सा ब्लश लगाया. उसके बाद शी ऑल्सो कॉन्ट्रोल्ड माई नोज बिकॉज आई सेड कि मेरी नोज भी कॉन्ट्रोल कर दो, आई कॉन्ट लिव विदाउट माई कॉन्ट्रोल्ड नोज. सो एक पतला सा ब्रश लेकर के शी ऑल्सो कॉन्ट्रोल्ड इट. Yeah, here she is doing it. So यहाँ पर I think ये flat shader brush से थोड़ा सा fluffy brush था तो उससे उसने contour करा and या बहुत crazy contour नहीं था. She did it really well, काफ़ी अच्छे से करा and ऐसे बहुत ज़्यादा over the top नहीं लग रहा था. एंड देन उसके बाद शी अप्लाइड अ लॉट ऑफ हाईलाइटर. शी हर सेल्फ इज अ हाईलाइटर क्वीन, इतना सारा हाईलाइटर लगाया था उसने मेरा, बट इट वॉज नॉट लुकिंग टू मच, इट वॉज लुकिंग गुड, बढ़िया लग रहा था वो सारा हाईलाइटर. एंड या शी अप्लाइड अ लॉट ऑफ हाईलाइटर ऑन माई फेस, बट इट वॉज टोटल वर्थ, लाइक सब कुछ बहुत ही बढ़िया जा रहा था, एवरीथिंग वॉज इन प्लेस. सो हाईलाइटर के बाद शी स्टिल अप्लाइंग हाईलाइटर. ओके, हाईलाइटर के बाद उसने मेरी लोअर लैश लाइन को स्मोक आउट करा उन्होंने, तो पहले ब्लैक कलर से किया फिर ब्राउन कलर अप्लाई करा उसी में उसी के नीचे एंड अच्छे से स्मोक आउट कर दिया जिससे कि आंखें थोड़ी सी और बड़ी दिखें. एंड या आई एम इन लव विद द आई मेकअप, बहुत ही बढ़िया टर्न आउट हुआ था. डू ट्राई इट आउट बिकॉज इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. एंड उसके बाद उन्होंने जो है मेरे चीक
जॉलाइन को भी कॉन्टूर करा विच इज ऑब्वियसली रिक्वायर्ड. देन शी ड्रॉप्ड इन वन ड्रॉप ऑफ ऑयल मेरे लिप्स पे टू मॉइस्चराइज देम, एंड मस्कारा जब तक लगाया तब तक जो है लिप्स मॉइस्चराइज हो जाएंगे. एंड शी अप्लाइड सम फॉल्सीज ऑल्सो, मिंक लैशेज थी एंड दे वर रियली गुड, बहुत ही नेचुरल भी लग रही थी बट एट द सेम टाइम काफ़ी फ्लर्टी भी थी. सो शी डिड अप्लाइड दोज ऑन माई आइज, एंड उसके बाद एक लिप लाइनर की हेल्प से पहले मैंने लिप्स को लाइन किया उन्होंने, एंड देन शी यूज मैक की मेहर विच वॉज एन अमेजिंग कलर. मेरी एंटायर लिप्स पर बहुत ही ब्यूटिफुल शेड था एंड इट वेंट वेरी वेल विद दिस आई मेकअप. न्यूड लिप्स थे एंड दैट टू लाइक पिंकी न्यूड से, तो आई थिंक इट कॉम्प्लीमेंटेड द आई लुक वेरी वेल. एंड फाइनली मेरे आई लैश लाइन पे, लोअर लैश लाइन पे शी अप्लाइड सम काजल, एंड मेरी आंखें बहुत वॉटरी हो रही थी उस दिन, वो भी काफ़ी परेशान हो रही थी, बार बार एक आध बूंद ऊपर आ जाती थी. तो या शी स्टिल लाइक मैनेज टू डू इट, एंड उसके बाद शी जस्ट सेट माई फेस यूजिंग मैक का मेकअप फिक्सर, एंड या दैट इज इट. शी ऑल्सो डिड माई हेयर बाय द वे, एंड इन अ बिट यू विल सी दैट. तो अभी शी जस्ट थोड़ा सा स्पंज से उसने डैब डैब करा, एंड देन शी अप्लाइड सम मोर हाइलाइटर बिकॉज ऑब्वियसली यू शुड. एक बार स्प्रे करने का था, हाइलाइटर अप्लाई करते हो वो ज़्यादा अच्छे से निकल के आता है. शी गेव मी दी सॉफ्ट कर्ल्स विच आर रियली लुकिंग अमेजिंग, और वो भी एक फ्लैट आयरन से, विच आई नो बहुत सारे लोग कर लेते हैं, आई कान डू इट, सो आई वॉज रियली हैप्पी. और कर्ल्स बहुत ही ब्यूटिफुल टर्न आउट हुए थे, यू विल सी इन अ बिट, दे वर लुकिंग वेरी वेरी गॉर्जियस, बहुत ही बढ़िया. और बालों को भी उसने, मतलब ओवरऑल बाल मेकअप सब कुछ मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया. सो चेतना हैज डन ये छोटे छोटे, मतलब छोटे छोटे कह रही हूँ, सॉफ्ट कर्ल्स दिए हैं मुझे, एंड आई रियली लाइक द इंटायर लुक, माय हेयर एंड एवरीथिंग. इस आउटफिट के साथ में ये बहुत बढ़िया तरीके से जा रहे हैं, एंड आई रियली रियली लाइक इट. सो थैंक यू चेतना फॉर दिस वंडरफुल लुक. हियर इज चेतना एंड दिस इज हाउ शी हैज ट्रांसफॉर्म्ड मी इनटू. मैं बिफोर एंड आफ्टर की इमेज डाल दूंगी. आई टोटली लव हाउ माय इंटायर लुक कम्स, लाइक बहुत अच्छा लग रहा है. थैंक यू. और अगर आप दिल्ली NCR या फिर इनफैक्ट ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हो, एंड इफ यू वांट चेतना टू डू योर मेकअप, आई विल लीव अ लिंक टू हर, लाइक आई विल लीव हर कॉन्टैक्ट डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड आई एम लविंग इट. So yeah, that is it for this video. I hope you guys like it. And अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड या आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.